Yes, Rahul ji. Please, please. Yes. Thank you, Speaker Madam, for giving me the floor. Two very interesting speeches. Hindi mein bhi bolunga, ghabraiye mat. Two very interesting speeches. One by Mr. Gala from the TDP and one from the BJP. I heard Mr. Gala's speech very carefully. I listened to everything you said. And in your speech, I sensed a certain anxiety. I sensed a deep feeling of pain. And I want to tell you, from here, that you are the victim of a 21st century political weapon. Yes. Very fantastic political weapon. And I want to tell you that you're not alone. There are many, 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 many victims like you in this country. The political weapon is called the Jumla strike. Yes. And the symptoms are the following. First, there is a great sense of excitement, happiness. There's a great sense of happiness, excitement. Then there is a feeling of shock. And after that, there are 8-hour long speeches. Now, who else are victims of the Jumla strike? The Kisans of the country? Speaker, ma'am. The Kisans of the country, the youngsters of the country, the Dalits, the tribals, and the women of the country. Aapne bola ki Pradhan Mantri ke shabd ka matlab hona chahiye. Aur yahi sawal pura Hindustan aaj pooch raha hai. ₹15 lakh हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जुमला नंबर एक जुमला स्ट्राइक नंबर एक ₹15 लाख हर बैंक अकाउंट में जुमला स्ट्राइक नंबर दो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार रोजगार पे चलते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी आप कौन सी दुनिया में हैं आप कौन सी दुनिया में हैं मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं मेरे पास मैं देख रही हूँ ना उनका नाम लिया आपसे पहले आप मत डिस्टर्ब करो उनको बैठो प्लीज कर गए 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं मेरे नहीं हैं इनके आंकड़े हैं हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है दूसरे तरीके से कहता हूं जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है
इसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। ये सच्चाई है इनके खोखलेपन की, ये सच्चाई है इनके शब्दों की। और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकोड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो, चाय बेचो, दुकान बेचो। रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया, आपने क्या किया, पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ, 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान मजदूर गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। प्लीज प्लीज, नहीं आप बैठे हुए लोगों की मत सुनो, ये कंटिन्यू। मगर वहां नहीं रुके, GST कांग्रेस पार्टी लाई थी। आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक GST हो, पेट्रोल डीजल उस GST में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की GST, 5 अलग अलग GST, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं, मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपने अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेसेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया। और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है। और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं।
मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। कहा था प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह 50 को बढ़ाता है 3 महीने में, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकलता है। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं। कहां था जो डील हो जाए? उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है, आप यह बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। असत्य बोला है। He is not ending.
गया जब ये निर्णय लिया गया यस वन मिनट व्हाट इज इट इन द हाउस नो मैडम सदन में उपस्थित है उनका नाम लिया गया चाहे डिफेंस मिनिस्टर मैडम इज नॉट यील्डिंग मैडम इज नॉट यील्डिंग आई विल अलाउ यू आल्सो आफ्टर आई नो दैट एग्रीमेंट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम द सीक्रेसी इज बिकॉज़ ऑफ दैट टाइम नॉट यील्डिंग फॉलोइंग समथिंग व्हिच दे हैव अग्रीड बाय इसके बाद मौका दीजिएगा आफ्टर मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी अभी वो यील्ड नहीं कर रहे हैं ओके उनके बाद रिप्लाई का मौका आपको देंगे उतने द डिफेंस मिनिस्टर हैज क्लियरली स्पोकन एन अनट्रूथ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज राहुल जी फ्रेंच प्रेसिडेंट पर्सनली हैज टोल्ड मी एक मिनट दैट देयर इज नो बार बार डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है इसमें इसलिए आपके बोलने के बाद आपको बिल्कुल मौका दूंगी क्योंकि शी इज देयर इन हाउस ऐसा नहीं डिफेंस मिनिस्टर स्पोक अनट्रूथ ये बात कही ना आपने अभी एक मिनट ठीक है ना तो आपको दे दूं यस द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाट एवर इट इज दैट No, I met the gentleman in Delhi. You can check the records. No. Don't respond. And the gentleman clearly said that there is no secret pact okay. between the Indian government and the French government. Yes. So the defense minister has clearly spoken an untruth. Untruth I want to understand. Yeah, untruth shabd abhi nahi jayega because she will clear the position. Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's Prime Minister. And everybody understands who it comes from. One of those people was given the Rafael contract and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. The contract was taken away from HAL. Madam, he cannot claim unsubstantiated. एक-एक शब्द को नहीं मैं देख रही हूँ एंड द जेंटलमैन द मैसेजेस द जेंटलमैन बेनिफिटेड टू द ट्यून ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45,000 करोड़ रुपीस दिस इज द ट्रूथ नाउ द प्राइम मिनिस्टर मस्ट एक्सप्लेन एंड ही मस्ट आंसर इन दिस हाउस वेदर द कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favored. I know, I can see he's smiling. But there is a touch of nervousness in the gentleman. And he is looking away from me. I can understand that. And now he
cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. That is the fact. Now, let me move on. Let me go down the list. The idea of demonetization was to damage and reduce... 1 minute. What point of order you have? Madam, very unfortunate. I'm quoting the rule. Under rule 3, I am drawing your attention to rule 353. The 353 very specifically says, madam, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has been given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned. That includes Prime Minister also, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply, provided that the speaker may at any time prohibit any member from making such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the house or no public interest is served by making such allegation. Madam, what Sri Rahul Gandhi is doing is he is throwing the rules of the procedure to four winds and speaking. He is speaking everything baseless, without any substance, far from the truth. There is no document or anything to support frivolous charges. I know the entire family doesn't care for the constitution. They don't care for the rules of the procedure also. They don't care for the parliament also. पूरा देश, पूरे देश ने अभी देखा है. मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं. समझ आ गई है बात. चौकीदार नहीं है, भागीदार है. अब चलते हैं फॉरेन पॉलिसी पे. थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं. प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था. उसके बाद उसी समय चाइना के हजार सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे. उसके बाद चाइना का राष्ट्रपति वापस गया. चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है और अपनी सेना को ढोकलाम में डालता है. हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई. ठहरिए. हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए. मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, ढोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे. बिना एजेंडा, ये बिना एजेंडा नहीं था.
नहीं खड़े हुए वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है। सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ, आपने उनका किया। हाथ जोड़ के आपने आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, प्लीज बैठिए, आप बैठिए प्लीज। एक बात आप आराम अटोले जी, एक बात मैं आप सबसे भी निवेदन कर रही हूँ, बोलने वालों को भी मैंने हमेशा निवेदन किया है कि बोलते समय कोई ऐसी बात भी हम नहीं बोले, ये आम सभा भी तो नहीं है, या जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स यस आप रख सकते हो, बिल्कुल रखो, शब्द भी ऐसे यूज होना चाहिए यहाँ बोलते समय कि चाहे वो किसान के लिए बोलो चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा और इसलिए ये आरोप भी लगाऊं, आरोप भी जो लगाऊं, अगर हमारे पास है ऐसा पुरावा जरूर लगा सकते हैं। सभी लोग कृपा करके थोड़ा संयम रखें और भाषा भी ठीक रखें। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं आई है, हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। प्लीज प्लीज वो हर बार रूल्स का उल्लंघन करेंगे, कोई सबूत नहीं है, डरो मत, डरो मत, एक मिनट डरो मत, आप भी बैठिए, मैंने कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, जवाब डरो मत, डरो मत, क्या हो रहा है, इंजिक वाला, इंजिक वाला, हाँ ठीक है ना, तो जवाब भी तो आएगा, बैठिए आप। सबूत है वो सदन के सामने पेश करना चाहिए, नहीं तो ये अनाथ शराब बोलने के लिए वो क्षमा याचना करना चाहिए। एक बात आप क्षमा याचना, प्लीज 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 Thank you.
to meet again at 1:45. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए जरा, सभी लोग थोड़ा शांति हो जाइए। और मेरा आप सभी से प्लीज प्लीज क्या करूं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज, इसलिए हमने प्रश्नकाल भी स्थगित करके, सब काम स्थगित करके पूरे दिन के लिए ये चर्चा ले रहे हैं हम। मैं मानती हूँ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी डायरेक्ट आरोप भी साधारणतया नहीं किए जाते हैं। अगर करते हैं कोई डायरेक्ट आरोप तो ये बात भी सही है, सबूत होना चाहिए। एक दूसरी बात भी, नियम भी आपको मालूम है, किसी व्यक्ति पर या किसी मिनिस्टर पर आप आरोप करते हो डायरेक्ट नाम लेके, सुनिए, अरे अब मुझे भी तय करो कि नई बात मेरी ठीक लगी तो बोलो, तो उस मिनिस्टर को भी बात एक्सप्लेन करने का समय मिलेगा, देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे हम उस समय भी यील्ड नहीं करते, वास्तव में वो उचित नहीं है, फिर भी मैंने आपकी बात मान ली। अब तो आप भी यही कर रही हो, आप भी यही कर रहे हो, तो या तो आप यहाँ लोग आ जाओ, कोई भी करो, आई एम रेडी। ऐसा मत करो प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि ये डिबेट अच्छी तरीके से हो जाए। और इसलिए मेरा एक कहना है कि अगर हमें नहीं मालूम, पहले भी ये हुआ है कि अगर आपने, जैसे मैं आपको राहुल जी बताना चाहूँगी, जब आपने डिफेंस मिनिस्टर का नाम लेके दो बार मान लो कुछ आरोपित कर दिया, तो फिर उनको भी एक्सप्लेनेशन का वहीं पे ये मिलता है, अधिकार मिलता है ना। उस समय हम कहे कि नहीं हम यील्ड नहीं करें, अब आप नहीं कर रहे थे इसलिए मुझे बोलना पड़ा, इनके भाषण के बाद मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं भी क्या करूँ। साधारणतया यील्ड किया जाता है, पहले भी ऐसा, मैं भी आज सालों साल से इस लोकसभा में हूँ, मैंने भी कई बड़े बड़े लोगों के भाषण भी देखे हैं, डिबेट देखा है, आरोप प्रत्यारोप सब सब कुछ देखा है। और अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ आरोप होता है, सामने वाला कुछ कहना चाहता है, तो मैंने बहुत बड़े लोगों को भी यील्ड करते हुए देखा है। आई एम सॉरी, आप मानो मेरे, मैंने देखा है। एक मिनट, आप अब बीच में नहीं बोलेंगे, मैं केवल जनरल बात कर रही हूँ, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये देखा है कि ये किया जाता रहा है, अगर आरोप अगर करो, सामने वाला खड़ा हो जिस पर आरोप है वो कुछ बोलना चाहता है, तो ये करना कोई अपमान की बात नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, तो सामने वाले को वो बोलने का, ये एक दूसरे का आदर होता है। लेकिन यहाँ मुझे इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा, अगर नहीं यील्ड करते तो ये भी नियम है सभा का कि अगर भाषण देने वाला जिसका मैंने नाम लिया वो अगर यील्ड नहीं करता तो मैं दूसरे को मौका नहीं दे सकती। ऐसा भी कई बार होता आया है। और इसलिए मैंने कहा, चूंकि आरोप डिफेंस मिनिस्टर पे डायरेक्ट लग रहा है कुछ, तो उनको तुरंत, आपके बाद मैं तुरंत बोलने का मौका, अगर ग्रेसफुली ये होता, यील्ड वो करते तो आप तुरंत मौका भी मिल जाता, वो नहीं हो रहा है तो मुझे ये बोलना पड़ा, मैं बाद में मौका, हमने बात कर ली, मेरा इतना ही कहना है। दूसरी बात ये है, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल पे भी है, आप टारगेट प्रधानमंत्री को करो, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन शुरू में भी मैंने कहा था भाषा भी ठीक रखे। अगर डायरेक्ट आरोप अपन कुछ रकम को लेके भी करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास प्रूफ भी हमें देना पड़ते हैं। हम प्लीज अब इतने भी उत्तेजित मत होना आनंद कुमार। और इसलिए मुझे भी कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने जयदेव गल्ला जी के भाषण के समय भी कहा, कई बार होता है कि आप सबके हल्ले गुल्ले में बात छूट जाती है, तो इसमें भी मैं बाद में ज़रूर देखूंगी, जहां गलत बात अगर है तो एक्सपेंस करने का अधिकार स्पीकर को रहता है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई गलत बात अगर यहां गई है, जो बिना प्रूफ के अगर कोई ऐसा आरोप होता है जो गलत है, तो उसको भी ठीक नहीं है, गलत नहीं मैं बोलूँगी, गलत है नहीं है वो तो बाकी बात, मगर ठीक नहीं है तो उसको भी एक्सपंज करने का। और इसलिए
आप सबको मेरा निवेदन है, थोड़ी अपनी भाषा भी हम ठीक रखें, थोड़ा सा डेकोरम भी मेंटेन करें, एक दूसरे को सहन भी करें और एक दूसरे के लिए यील्ड भी करें, तो उसमें किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। सुनिए तो आगे की भी, यहाँ जो भी अभी बोला गया, अगर कुछ इसमें जैसे अभी बात आई है, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर आरोप करते समय कुछ आंकड़े भी दिए गए, ऐसे आंकड़े का अगर कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है तो वो आंकड़े नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ मालूम नहीं है। यहाँ नाम भी लिया गया फ्रांस के राष्ट्रपति का, अब वो भी उचित नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ तो नहीं है बोलने के लिए कि मैंने क्या बोला, ये भी नहीं होना चाहिए। कंट्री की बात अलग, नहीं वो भी नहीं, उसके आपस में क्या बात होती है वो भी ऐसे नहीं जाती है। कई बातों का हम डेकोरम मेंटेन करें तो कृपा करके अच्छा रहेगा, यही मेरा निवेदन है। मैं बाद में भाषण देखूंगी और बताऊंगी सब एक्सपंज। यस प्लीज, थैंक यू स्पीकर मैडम। आप भी, और मेरा निवेदन है, अब मैं भी युवा हूँ, बहुत सालों तक काम हमें करना है, हम चीज़ों को समझे प्लीज। डरो मत, अब कोई नहीं बोल, सच्चाई से डरो मत। तो स्पीकर मैडम, किसानों की बात हो रही थी, किसानों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी, माफ किया ही नहीं। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, कहां चले गए कहां, एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए, तो ये भी एक नया जुमला। अब चलते हैं महिलाओं की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा, प्लीज डोंट से, हम सबके लिए। हाँ। हाँ। सवाल सबके लिए, बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गैंग रेप होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। पहली बार मैंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रेप्यूटेशन हिंदुस्तान का बन रहा है, ये हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है। सॉरी सॉरी मैडम, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मैडम? जहां भी देखो, मैडम इतने परेशान है, इतने परेशान।
एससीओ माइनॉरिटीज पे अत्याचार, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं है? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? तो जब ये होता है प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? मेरा सवाल अपने भाषण में वो उसका जवाब दे। मंत्री जाके हार डालते हैं, उल्टा उनके मंत्री जाकर उन पर हार डालते हैं। इससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होता। चल रहे हैं, आप भी चुप रहे हैं, आप भी बार बार उठती हैं। बैठो। तो हिंदुस्तान ने प्लीज प्लीज कोई किसी का नाम नहीं लिया मैडम, नाम ही नहीं लिया मैडम, प्लीज तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अच्छा आप बैठिए, बैठिए। मोहम्मद सलीम आपको क्या हो गया? तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है, किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये देश को शोभा नहीं देता है। और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं, अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं। अब आप मैंने काफी लंबा भाषण किया है, खत्म करो। प्लीज क्या कर रहे हो? जी बोलिए, आप तो बोलिए। तो जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है, वो अंबेडकर जी के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। मंत्री है, मंत्री बदला कर देते हैं। मिनिस्टर इज टेलिंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं। और हम इस बात को नहीं सहेंगे। विदुरी जी क्या हो रहा है? विदुरी जी बैठिए। यस मगर यस द प्राइम मिनिस्टर नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्पीच, सो इफ यू वुड लेट मी से इट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक इट, यू एंजॉय दिस वन। द प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर अमित शाह आर टू वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन। नाम अमित शाह मत
The Prime Minister and the President of the BJP are very different type of politicians. They are not like any of us. They are different than all of us. The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power. For reasons that everybody knows here, the Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear. And this fear generates anger. And it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. Yes, sachai hai. Abhi main suniye. Abhi jab main andar gaya. विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे लेने की जरूरत, इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है, और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया, और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे देश का इतिहास है। Yes, please. What? ये हमारे देश का इतिहास है, और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ, और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है, इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप
सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। हिंदू होने का ये मतलब होता है कि चाहे आप मेरे ऊपर जो भी फेंको, राहुल जी जितना भी फेंको, राहुल जी ऐसा नहीं, ये हाउस है, हाउस के अपने कुछ नियम है। अरे मैं बोल रहा हूँ, आपका भाषण कंप्लीट हो गया। बैठिए निर्मला जी, निर्मला जी बोल रही है। यस बैठिए बैठिए।